ओ नमो भगवते वा सुदेवाय स्वस्ति श्रीगणेशा श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रभगवानकीज की जय जय ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय 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 राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम

गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्रीहरि परमान उपदेषारमीश्वर व्यापक सर्वोकाना कारण तम नमा पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरि के पावन चरण में कोटिशाह प्रणाम और मेरे सामने बैठे हुए आप सभी मेम्फिस वासी जिनसे फिर एक बार जैसे राजभाई ने कहा मिलना हो रहा है उस समय भी हिंदी में ही बोलते थे अच्छा हाँ कोरोना ने बहुत कुछ भुला दिया तो फिर एक बार आप सबका चेहरा देखते हुए अच्छा लग रहा है कुछ डेढ़ महीने से इस पाताल में घूम रहा हूं पूज्य मुरारी बापू जी से सुना था कि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के शास्त्रों में जैसा पाताल का वर्णन है वो सारे लक्षण अमेरिका में फिट बैठते हैं तो मेरे हे प्यारे पाताल वासियों डेढ़ महीने से मैं पाताल में घूम रहा हूं और शास्त्रों में तो मैंने नहीं सुना कभी कि पाताल में भी कोई कथा हुई थी और वहां भी सत्संग हुआ था लेकिन यदि ये, ये पाताल है तो मैं तो कर रहा हूं और आनंद ले रहा हूं। तो ठाकुर जी की कृपा से फिर एक बार यह अवसर प्राप्त है और हम इस अवसर का लाभ उठाएं। वैसे तो आप लोगों को जैसे कुर्सियां दी गई हैं आप लोग वैसे ही बैठे हो और फिर मैं देख भी रहा हूं कि कोई यूं करके मुझे देख रहा है कोई यूं कर रहा है तो चिंता मत करना वंस इट स्टार्टेड वो कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है आपको जैसे ठीक लगे इधर उधर करना है तो कर लेना मेन चीज ये है कि सुंदर कांड में ध्यान देना क्योंकि ये तीन दिन जो हमने निकाले हैं तो ऐसा है ना देखो शरीर समय निकालता है लेकिन मन को आपको पकड़ के टाइम निकलवाना पड़ता है यू आर नॉट वेर योर इज यू आर वेर योर माइंड इज तो आपका मन स्थिर हो उसके लिए ही भगवान का नाम लेना होता है इट्स नॉट जस्ट ट्रेडिशन ट्रेडिशन तो है ही परंपरा तो है ही लेकिन हर परंपरा के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है तो थोड़ी देर के लिए ये श्री राम जय राम जय जय राम करना उसका मतलब यह है कि चाहे कितना ही समय मिला हो उसमें हम जितना देख पाएंगे इस सुंदर कांड को देखेंगे जैसे पेड़ा मीठा होता है तो उस मीठे पेड़े को कहीं से खाओ और कितना ही खाओ आपको मिठास ही मिलती है उस तरह से प्रयत्न तो यही रहेगा कि साठ दोहा है इसमें और तीन दिन है तो बीस बीस करके पहुंच जाए तो वो बोलने में जितना आसान होता है कभी कभी करना उतना आसान नहीं होता गणित का हिसाब तो इजी है है ना बीस अच्छा साठ वो तो बोलना आसान है पर ठाकुर जी करें कि हम यदि सब्जेक्ट पर टिक रहेंगे और मैं और और बातों में वो नहीं समय जाया करूंगा तो हो सकता है कि हम स्कॉलर की तरह इस साठ दोहा को पास ऑन कर दें तो एक होता है पूरा करना और एक होता है इसको समझना तो मेरा अप्रोच दोनों करने का रहता है कि थोड़ा थोड़ा समझते भी चलें और थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते चले तो जैसे ठाकुर जी की कृपा होगी इस बार की यात्रा में भी भाई राज भाई का तो वैसे हर बार ये इंटरेस्ट रहता ही है कि इधर भी है ना कुछ ना कुछ सत्संग हो और पता नहीं ठाकुर जी ने ही हम दोनों भाई बहन को मिलाया हुआ है तो मेरा भी मन करता है कि मेरी बहन के पास जाऊं और आशीर्वाद लूं तो इस बार मुझे फिर अवसर प्राप्त हुआ और हम सब मिल गए आइए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हर कांड रामायण में जितने कांड हैं किसी का नाम बाल कांड है और किसी का नाम अयोध्या कांड है और किसी का तो लंका है किसी का तो किशकिंधा है और किसी का तो उत्तर है केवल यही एक कांड है जिसको सुंदर कांड कहते हैं और ये सुंदर वर्ड हमारा जाना पहचाना है तो हमको सवाल होना चाहिए कि इसको सुंदर कांड क्यों बोलते हैं है ना क्योंकि थोड़ा सा टाइटल पर विचार करें फिर आगे बढ़ जाएंगे तो सबसे पहली बात तो मानस जी के जितने विद्वान हुए वो सारे विद्वान अपनी अपनी तरह से सब सोचते हैं और वो सब अपनी अपनी तरह से समझाने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें किसी ने तो बहुत अच्छा समझाया और उसने कहा कि देखो इसका नाम सुंदरकांड लोग बोलते हैं है नहीं <laughs> तो हमको भी आश्चर्य हो कि यदि सुंदर कांड नहीं है तो कौन सा कांड है तो उन्होंने कहा कि सुंदर कांड नहीं है इसका नाम है पंचम सोपान केवल रामचरित मानस की बात कर रहा हूं वाल्मीकि रामायण में जाएंगे तो वहां नाम है सुंदर कांडम जैसे बाल कांडम अयोध्या कांडम लेकिन वहां फिर लंका कांड नहीं है थोड़ा सा भी वाल्मीकि रामायण का आपको अभ्यास होगा तो आपको ये पता होगा और नहीं होगा तो ये हम लोग इसी तरह से करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सैम्पल आपके सामने रख देते हैं और फिर वो समर में आके चले जाते हैं फिर बाकी का जो टाइम है उसमें आप देखो वाल्मीकि रामायण कि क्या सुंदर कांडम लिखा है कहीं पर या ये तो कह रहे हैं कि लंका कांड नहीं है वाल्मीकि में तो जा करके देखो कि क्या युद्ध कांडम लिखा है क्योंकि जितना घंटा हमको मिलता है आ, कथा के समय थोड़ा ज्यादा घंटा मिल रहा था लेकिन उसमें भी हम पूरा पूरा कह दिए थे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता तो जितना अवसर प्राप्त होता है उसमें हर चीज को थोड़ा 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 आपके सामने रख दिया जाए तो फिर जिसकी स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति है जिसको भी अच्छा लगता है ग्रंथों को देखना और हमारे शास्त्रों में वास्तव में क्या लिखा है ये देखना जिनको अच्छा लगता है वो देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण का शब्द है ये सुंदरकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो प्रथम सोपान द्वितीय सोपान और ऐहिमह रुचिर सप्त सोपाना करके लास्ट में लिख भी दिया है कि इसमें सात सोपान है संस्कृत में सोपान कहते हैं सीढ़ियों को कितने हिंदी भाषी बैठे हैं यहां पर एक दो तीन चार बहुत सारे हैं तो उसके अलावा तो बदा मारी नाच नाच है ओके तो मिक्सचर ऑफ गुजराती एंड हिंदी करना पड़ेगा नहीं गुजरातियों को पूछो कि सीढ़ी का मतलब क्या होता है तो वो कहेंगे स्टेरकेस हिंदी में सीढ़ी एटले पगथियो था तो सात पगथिया छे मानस सात सीढ़ियां हैं सात स्टेप्स हैं इंग्लिश बोलने से बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि सबके पल्ले पड़ता है सेवन स्टेप्स कांड के नाम जो है वो वाल्मीकि रामायण में है वो वाल्मीकि के ही आधार पर हमारे यहां कहा गया कि ये सुंदर कांड है तो प्रश्न पूछा गया कि भाई वाल्मीकि जी ने इसको सुंदर कांड क्यों कहा तो हमारे जितने भी विद्वान थे वे सब आगे आ गए और उन्होंने एक के बाद एक सब ने अपने अपने विचारों से हमको समझाना शुरू किया कि इसको सुंदर कांड क्यों कहते हैं कुछ मैं पढ़ रहा था आपके लिए लाया हूं तो मैं बांट दूं कहते हैं इस कांड का नाम सुंदर क्यों है तो किसी एक विद्वान ने अपना मत दिया कि सुंदरकांड इसको इसलिए बोलते हैं कि यह गिरी त्रिकूट ऊपर लंका जो है वो त्रिकूट नाम के पर्वत के ऊपर थी और त्रिकूट बोलते हैं ना जब ये कूट शब्द का मतलब ही होता है शिखर पहाड़ का शिखर त्रिकूट माने तीन शिखर वाला तो वो जो तीन थे उसमें एक का नाम सुंदर था और वो जो सुंदर नाम का शिखर था उसी के ऊपर वो अशोक वाटिका थी और उसी में जानकी जी रह रही थी और अभी ये जो सुंदरकांड की कथा है जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि इसका प्रारंभ होता है सौ योजन का समुद्र लांग करके जो लंका में जाएगा उसको जानकी जी मिलेगी ये जटायु के भाई संपाति ने सबको बता दिया था और जटायु और संपाति ये दोनों श्री सूर्य नारायण के जो सारथी हैं उनका नाम है अरुण वो अरुण के दोनों बेटे हैं एक है जटायु जो रावण के साथ लड़ते हुए उसके पंख काट दिए थे रावण ने और वो नीचे गिर गया था फिर राम जी की ही गोद में वो अपने शरीर का त्याग करता है और राम जी ने स्वयं ही अपने हाथों उसका अग्नि संस्कार किया था राम जी ने अपने पिताजी दशरथ जी का भी अग्नि संस्कार नहीं किया था लेकिन जटायु का किया था और ये जो जटायु जी थे वो दशरथ जी के मित्र थे तो मैं राम कथा के लिए नहीं बैठा हूं ये याद रखते हुए आगे बढ़ता हूं दूसरा भाई था उसका नाम संपाति संपाति ने बताया था कि जानकी जी मैं यहां बैठ करके देख रहा हूं समुद्र के इस किनारे से मुझे दिख रहा है वो लंका में बैठी है और अशोक वाटिका में बैठी और रो रही है ये यह यहां क्यों बोले ये गीत ही दृष्टि अपार जो गीत होता है उसकी दृष्टि बड़ी अपार होती है उसका कोई अंत नहीं होता संपाति ने कहा जो भी ये सौ योजन का समुद्र नांग करके सामने जाएगा जानकी उसको मिलेगी और सब लोगों ने अपने में जो बल था वो कहना शुरू कर दिया किसी ने कहा दस योजन तक कूद सकता हूं किसी ने कहा बीस किसी ने कहा तीस किसी ने कहा चालीस किशकिदा कांड के अंत में सब लोगों ने अपनी अपनी बात करी अंगद ने तो कहा भी कि मैं सौ योजन चला जाऊं लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं ये पता नहीं क्यों बोले रावण का बेटा है अक्षय कुमार और वो अक्षय कुमार यदि मेरे सामने आ गया तो मेरे से रहा नहीं जाएगा हम लड़ पड़ेंगे और ऐसा कुछ वरदान या शाप था इसको अंगद को कि वो यदि लड़े अक्षय कुमार के साथ तो अक्षय कुमार के हाथों अंगद मरेगा इस वजह से अंगद ने कहा कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा ये संशय है जी कछु संशय फिरती बारा जब फेर करके वापस आऊंगा तो आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसके लिए जी कछु संशय हृदय में थोड़ा संशय है तो जो भी बोले कि दस योजन कूद जाऊंगा तो हनुमान जी ताली बजाए गजब का आदमी है दस योजन कूद सकता है कोई बोले बीस तो हनुमान जी और जोर से ताली बजाए और जैसे ही अंगद ने कहा मैं तो पार चला जाऊं हनुमान जी ने बड़ी जोर से ताली बजाई कि गजब का है तब तक जांबवान का ध्यान पड़ गया कि सबके लिए ताली बजाते हो ये तो ठीक है ये अप्रिशिएशन हुआ लेकिन खुद क्यों कुछ नहीं बोल रहे और उस समय श्री हनुमान जी को जम्भवान ने कहा कि का चुप साधि रहे हनुमाना अरे चुप रह करके क्यों बैठे हो प्रभु अरे राम काज लगी तब अवतारा और सुन ऊपर वताकारा ये इश्किन धाकांड का अंत है जहां हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई गई वो छोटे थे तो बड़े उद्यमी थे पता है ना हनुमान जी जब छोटे बच्चे थे तो गजब के उद्यमी थे जो ऋषि मुनि यूं तपस्या कर रहे उनको उल्टा कर देते थे सूर्य को भी एक बार खा लिया था ना बड़ा बड़ा उधम मचाते थे तो ऋषि मुनियों ने कहा कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये कोई सामान्य नहीं है वायु का ही पुत्र है पवन तनय पवन सुत मारुति है ये ताकत तो बहुत है इसमें लेकिन इसकी ताकत की जरूरत राम जी जब प्रकट होंगे तब जरूरत पड़ेगी इसलिए ये अभी अपनी ताकत भूल जाए और ये शाप केवल हनुमान जी को नहीं है मेरे जैसे आपके जैसे सबको है हम क्या कर सकते हैं यह हमको अकल ही नहीं होती है और इसलिए ये जो विज्ञान से पढ़े हुए हैं ना ऐसे लोग जानते हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं कि जो मानव के मन में ताकत है उसका वन परसेंट भी हम यूज नहीं करते सुना है आपने ये यही हुआ शाप वाला हनुमान जी तो हुआ और क्या हुआ गांधी बापू ने कहा था कभी कि यदि मेरे शरीर में रोग आए तो समझ लेना राम नाम पर मेरी ठीक से श्रद्धा नहीं है जिसकी राम नाम पर वास्तव में श्रद्धा हो कभी बीमार नहीं होना चाहिए इसका क्या मतलब हुआ कि गांधी जी भी मानते थे कि मैं भी अपने मन का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर रहा हूं मन निर्बल हो जाता है मन भूल जाता है ये हनुमान जी की ही बात नहीं है ये मेरी और आपकी भी बात है यदि नहीं होती तो साढ़े पांच सौ साल पुरानी पुस्तक है जो आपके हाथ में है। कितनी ही बेस्ट सेलर हो कुछ दिनों के बाद कचरे में पड़ी होती है साढ़े पांच सौ साल के बाद भी सुंदर कांड पढ़ते हो कभी विचार नहीं आता कि ऐसा इसमें क्या भरा है नहीं कितना ही सुपर हिट हुआ हो कोई गाना देखो थोड़े दिनों में लोग भूल जाते हैं और ये श्री राम जे राम जय जय राम लिरिक्स लिखे किसने हैं हम इससे बोर क्यों नहीं होते नए नए ट्यून में केवल श्री राम जय राम जय जय राम आपने देखा एक वर्ड नहीं एक लेटर भी हम ए डिया रिमूव नहीं करते और इसी को पचास बार बोलो आप थकोगे नहीं और आपकी कितनी प्रिय किसी भी सॉन्ग की कोई भी लाइन पसंद कर लो और उसको तुम लिखते जाओ एक बार बोला बोर हुआ कि नहीं हुआ दूसरी बार बोला मेरे को कंटल आया कि नहीं आया तीसरी बार बोला और इस तरह से प्रयोग करके देखो और फिर श्री राम जय राम जय जय राम, राम या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर या ये जय 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 हनुमान गोसाई कृपा या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ ना कुछ भी जो आपको पसंद हो कुछ तो फर्क है वर्ड्स तो वो भी हैं वर्ड्स तो ये भी हैं लेकिन उसमें किसी स्त्री पुरुष के शरीर के वर्णन होते हैं उसमें नदियों के तालाबों के पहाड़ों के सूर्य चंद्र के वर्णन होते हैं और इसमें श्री रघुनाथ जी का नाम है क्योंकि कोई फर्क नहीं होता तो अब तक नहीं चलना चाहिए ये, ये मेरी भाषा आप समझ रहे हो ना माथा ऊपर तुम ना ज्यतु? हां बहुत सीरियस ना થઈ જાતા મુંડી હલાવજો એટલે મને એમ થાય કે હું કંઈ બહુ કંઈ તમને હેરાન નથી કરતો ઓકે આમ જરા કામ કરજો કેવલ ઇસલીએ ઉપર બેઠના હોતા હે કે આપકો ઠીક સે દેખાઈ દે આઈ એમ વન ઓફ યુ હે ના પર વો થોડા થોડા यूं કરોગે તો મેરેકો ડર નહીં લાગે કે મેં કોઈ વો ગુરુજી બનકે નહીં બેઠા હું હમ હમ સંવાદ કર રહે હે ના ઇટ્સ ટોક और ऐसा ऐसे बीच में इस तरह से मैं भजिया मुक्त तो रहू जैसे तुम हसो तो मैं खबर पड़े बीजू बद तो नहीं तो जिसको गोली खा के नींद नहीं आती ऐसों को भी हम सुला देते तो मैं तीन दिन आपको एक डेढ़ घंटा जितना मेरे हाथ में हो मैं सोने नहीं दूंगा नहीं तो धार्मिक प्रवचन में लोग बहुत सो जाते हैं वैसे अभी तो सूर्य नारायण की भी मुझे हेल्प है वन टेन थोड़ी ठंडक हो तो सुई जावा ना चांस रहे आमा तो तमें से ना सुबह अच्छे अच्छे देखो अपने मन की शक्ति का उपयोग करने की बात आए तो बहुत कम हो जाते हैं और हमको करना क्या है बोले यदि हम अपने मन की शक्ति को वास्तव में पहचानना चाहते हैं तो हमको उस सत का आधार लेना पड़ेगा हनुमान जी किससे जागे बोले राम से जागे यानी राम नाम से क्योंकि राम काज लगी तव अवतारा इसको याद दिलाई गई थी कि राम का कार्य करने के लिए तू पैदा हुआ है मुख्य जो होता है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए फिर बाकी की सारी प्रोसीजर हमको करनी ही पड़ती है जैसे बच्चा है उसका मेन काम है पढ़ाई करना अब उसको सवेरे जगना पड़ेगा ब्रश करना पड़ेगा स्नान करना पड़ेगा ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा उसका अपना बैग है उसको संभालना पड़ेगा स्कूल बस में जाना पड़ेगा एक्सेट्रा वो सब करना ही पड़ता है बाद में क्लासेस शुरू होती हैं एंड देन फिर वो पढ़ता है मेन चीज समझना क्या है बोले उसको पढ़ना है ये उसका मेन काम है इस तरह से जैसे ही बड़े हो गए तो फिर डिग्री लेकर के फिर कमाना ये पुरुषों का और ये बाकी लोगों का सबका काम होता है और उस तरह से जैसे ही बूढ़े हो गए न घर में काम के न दुकान में तो फिर हरी भजो आपका प्रधान कार्य क्या है मेरा मेम्फिस आना हुआ क्यों है ना हजार माइल से क्यों यहां पर आया हूं उस काम में मेरा पूरा ध्यान होना चाहिए बाकी का सारा वो सब चाय पीना पड़ता है।, है ना नहीं तो इधर सो जाएगा तो प्रवीण भाई को मालूम था तो उन्होंने चाय बना करके पिला दिया कि अब जागना कम से कम आठ बजे तक तो प्रवचन सुनना है बात समझो मेरे प्रभु हनुमान जी जागे कैसे क्योंकि हनुमान जी की तरह हम भी तो सोए हुए हैं चलो अभी प्रयोग करके देख लो आपकी जो उम्र हो जो भी आई एम फोर्टी फोर मैं अपने आप को पूछू ये चौवालीस साल कहां गए केवल अभी अपने आप को पूछ लो इतने साल कहां गए क्या बहुत बढ़िया जवाब आता है जिससे हमको हृदय में पूरी तृप्ति हो जाए कि वाह वॉट अ लाइफ हमको अपने कर्मों की बात कर रहा हूं भगवान की कृपा की बात नहीं कर रहा हूं अपने कर्मों की बात क्या मैं जिया ऐसा कभी संतोष होता है जिसके भी संतोष होता है वो उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं होती अब अपने आप को पूछो जिसको भी अपने जीवन से संतोष है वो जो होगा जहां होगा कभी विहवल नहीं होगा उसे कभी क्रोध नहीं आएगा उसे कभी लालसा या वासना नहीं होगी अब अपने को पूछो इतने साल कहां गए है ना थोड़ा सा तो वो रह ही जाता है परमात्मा की कृपा की बात करें तो बिल्कुल है ना उसमें भी कई लोग तो ऐसे कहते हैं वैसे लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान का दिया सब कुछ है पर वो सब कुछ रखा कहां है पता नहीं है परमात्मा की कृपा की बात करेंगे तो बड़ी कृपा हुई है ना लेकिन जब हम अपने कर्मों की सोचते हैं तो कभी कभी सवाल होता है कि इतने साल गए कहां हनुमान जी को देखो जैसे वे भूले थे अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य को और उस राम काज उस राम के कार्य के बाद उनके जीवन में कितना संतोष और राम जी कितने प्रसन्न हुए उससे उस तरह से मुझसे और आपसे भी होंगे मेरे को बड़ी आशा रहती है कि मैं गांव गांव गली गली जाकर के राम का नाम दुनिया को सुनाता हूं वो जहां बैठा होगा कम से कम मुझसे राजी तो होगा कि इसको ब्राह्मण बनाया है कम से कम वो अपना काम ठीक से कर रहा है बाकी तो क्या है देखो एक छोटी सी मक्खी होगी वो दस फुट तक ऊपर उड़ सकती है और गरुड़ जी जब अपने पंख फैलाएंगे वो दस किलोमीटर भी जा सकता है तो सबकी अपनी अपनी ताकत होती है लेकिन उड़ने का काम तो दोनों कर रहे हैं और एक बात यह भी है ना कि आकाश को नाप नहीं सकते और ये बात मच्छर को पहले पता चल जाती है गरुड़ इतनी ऊपर जाकर लास्ट में ये कहेगा कि आने नो म बापा और मच्छर जो है वो इतना उड़ेगा और बोलेगा ना आ ना, ना था <laughs> तो राम को पूरा पूरा डिस्क्राइब कर देना राम का पूरा पूरा वर्णन कर देना ये तो सबके बस की बात नहीं पर जो प्रयत्न करते हैं मेरे ख्याल से राम को पसंद पड़ते होंगे हनुमान जी कब संतुष्ट हुए हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ख्याल कब आया जब उन्होंने सुना कि मैं राम का कार्य करने के लिए पैदा हुआ हूं जैसे बच्चे को हम कहते हैं पढ़ो ये तुम्हारा मुख्य कार्य है बाकी की सब प्रोसीजर करना पड़ेगा लेकिन मेन चीज को हम अपनी उम्र के अनुसार याद रखें यही राम काज है और जब हम ऐसे काम में लग जाते हैं सुंदर कांड शुरू हो जाता है हमारे जीवन में इसलिए मैंने देखा है जीवन भर सैलरी लेकर के बड़े बड़े प्रोफेसर जब पढ़ाते हैं तो उनके जीवन में टेंशन देखा जाता है लेकिन वही प्रोफेसर्स जब उनके रिटायर होने का टाइम आता है तो कॉलेज में जब लास्ट डे हो और उनका वो विदाई का समारंभ हो रहा हो तो ऐसे कई प्रोफेसर्स के बारे में सुना गया कि वो अपने सभी बच्चों को कहते हैं कि कल तक तो ट्यूशन पैसा लेकर के पढ़ाया लेकिन फ्रॉम टूमोरो आई एम अवेलेबल दिस टू दिस टाइम एंड जिसको भी आना है फ्री में पढ़ाऊंगा और उस प्रोफेसर के चेहरे पर जो तेज देखा गया जो शांति देखी गई जो तृप्ति देखी गई जो आनंद देखा गया जे निरात जो केम के पैसा तो भाग तो भक्त सेवा करते तो सेवा थी ज संतोष यदि संतोष जीवन में लाना है यदि वो वो एक तृप्ति का भाव मन में बैठाना है आनंद चाहते हो तो सेवा से हनुमान जी ये जानकी जी का समाचार लेकर के आए मेरे को बताओ उससे पहले राम जी को जानकी जी का वास्तव में क्या उधर हो रहा है उसका कोई समाचार था क्या तो कितना बड़ा उपकार है ये हनुमान जी का दोनों पति पत्नी के ऊपर और उसके बदले में राम जी ने कितना डॉलर दे दिया हनुमान जी को कुछ नहीं लेकिन देखो हनुमान जी के संतोष कितना क्यों बोले प्रभु कर कम पंकज कपी के सीसा गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु का जो कर पंकज भगवान का कमल जैसा जो मुलायम हाथ था वो उन्होंने श्री हनुमान जी के मस्तक पर रखा इसमें सब आ गया क्यों बोले इतना पवित्र चरित्र का हाथ ये मस्तक पर पड़ा किसके मस्तक पर पड़ा जिसने राम काज किया उसके मस्तक पर तो वहां से सुंदर कांड प्रारंभ होता है किसी ने कहा सुंदर नाम क्यों है बोले एक रीजन यह है कि वो सुंदर शिखर पर अशोक वाटिका थी तीन शिखर हैं उसका एक का नाम सुबेल है जो मैदान के रूप में है एक नील शिखर था जिसके ऊपर वो लंका बसी हुई थी और तीसरा जो था वो सुंदर था जिसके ऊपर ये अशोक वाटिका ये तीन नील सुबेल और ये सुंदर तो सुंदर की बात ज्यादा है इसलिए सुंदर नाम रख दिया तो बोले जगह से कांड का नाम रखने की जरूरत क्या बोले देखो ना अयोध्या कांड अयोध्या का चरित्र है इसलिए किशकिंधा कांड क्योंकि किशकिंधा की कथा है इसलिए लंका कांड क्योंकि लंका की कथा है इसलिए तो जगहों के ऊपर से भी वहां रामचरित में नाम रखे गए हैं उस वजह से भी इसका नाम सुंदर कांड ऐसा हुआ है और किसी ने कहा कि एक श्लोक है सुंदरे सुंदरी सीता सुंदर कांड में सुंदरी यानी बहुत ब्यूटीफुल ऐसी श्री सीता जी का वर्णन है सुंदरकांड में राम जी का चरित्र इतना नहीं है सुंदरकांड में जो चरित्र है वो जानकी जी का है तो सुंदरे सुंदरी सीता और सुंदरे सुंदर कपि ही कपि कहते हैं वानर को हनुमान जी का चरित्र है इसमें और सुंदरे सुंदरी वार्ता अतः सुंदर उच्चते इस सुंदर कांड में सुंदर कथा है इस वजह से भी इसको सुंदर कांड क्योंकि जिसमें सुंदर कथा है उसको कह दिया सुंदरकांड या एकदम कलयुग की दृष्टि से कहें तो कवि की मर्जी उसको इसका नाम सुंदर कांड लेकिन वो हम आजकल बोल लेते हैं वास्तव में ऐसे वाल्मीकि जी नहीं करते वाल्मीकि जी ने इसमें सीता और हनुमान जी और इन दोनों की फिर कथा ये सब सुंदर देखा इस वजह से इसको सुंदर कहा है इसके बाद में एक कारण ये भी बताया है कि जैसे सुंदर है सुंदर कांड है तो उसमें सुंदरे सुंदरो सुंदर श्री रघुनाथ जी सुंदर है अब हमको आश्चर्य हो कि सुंदरकांड में राम जी का तो इतना वर्णन नहीं आता तो ये राम जी कहां आ गए तो बोले कभी भी सीता और राम को दो नहीं मानना वो एक ही है वर्णन सीता का है तो राम का भी है और वर्णन यदि कहीं राम का पाते हैं तो सीता का भी है जैसे वाणी और उसका अर्थ पानी और उसने उसमें उठने वाली तरंगे ये दो बोले जाते हैं पानी नहीं तो तरंग का है, है ना तो केवल पानी में जो उठी उसको लहर कह दिया पर लहर और पानी ये दो नहीं है वो बोलने में दो है एक ही है शब्द और उसका अर्थ ये कहने को दो है बाकी एक को छोड़ के एक नहीं रह सकता इस तरह से राम और सीता ये कहने में दो हैं वास्तव में एक ही है जितना जानकी का वर्णन है वो सबको समझ लो ये राम का वर्णन तो सुंदर वो राम श्री राम जो है वो सुंदर है और सुंदर सुंदरी कथा कथा जो है इसमें वो बड़ी सुंदर है और तीसरा कहा सुंदरे सुंदरी सीता इसमें सीता जी का भी वर्णन है अरे सुंदरे किम न सुंदरम सुंदर कांड में ऐसी कौन सी चीज है जो सुंदर नहीं है जैसे जैसे उसमें आगे आगे बढ़ते जाओगे आपको दिखाई देगा कि इसमें यह सुंदर सुंदर का वर्णन आता है श्री जानकी जी का और श्री हनुमान जी का दोनों का चरित्र यह बहुत सुंदर है सौ योजन लंबा समुद्र का होना हनुमान जी यहां से कूदते हैं और सामने जाते हैं वो वर्णन देखना फिर हनुमान जी अपने चारों विघ्नों को जैसे पास करते हैं कैसे कहाँ अकल लगानी पड़ी कहीं पर ताकत लगानी पड़ी वो सुंदर कथा है फिर लंका में जैसे एंटर हुए क्योंकि इससे पहले कोई नहीं गया था ये ये सबसे पहले थे तो उसमें बुद्धि और बल दोनों चाहिए था अकेली ताकत से भी काम नहीं बनता और केवल बुद्धि हो उससे क्या हनुमान जी ने दोनों लगा दिया था और वे लंका में घुसे थे और फिर विभीषण जैसा अच्छा आदमी भी तो रहता है लंका में खाली कोई राक्षस ही तो नहीं रहते थे विभीषण जैसा भला आदमी त्रिजटा जैसी उसी की बेटी है विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा वो वहाँ रहती थी और मंदोदरी जैसी भली स्त्री वो वहाँ रहती थी फिर माल्यवान नाम के दो लोग थे लंका में वो लोग वहाँ पर रहते थे प्रहस्त रावण का बेटा जो रावण को बड़ा चीढ़ता है कि ये इस तरह से सीता का हरण करके ले आया अब बहुत अच्छे अच्छे लोग थे सुषेण नाम का डॉक्टर रहता था डॉक्टर तो भले ही होते हैं है ना हुआ जो ही है। तो लक्ष्मण को शक्ति लगी तो वो लंका से सुषेण को उठा के लाए थे और उसने वो सारा उसका सब मेडिकेशन किया था और देखो लक्ष्मण खड़ा भी हो गया था क्यों बोले वो डॉक्टर हुए तभी उनको प्रतिज्ञा लिवाया है कि मैं कुछ भी नहीं देखूंगा केवल मनुष्य हो उतना ही देखना है और मेरे में जितनी ताकत हो उस पूरी ताकत को लगा करके मुझे उसको ठीक करना है बस उतना ही ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है ना कुछ है पेशेंट इज पेशेंट और मेरे में जितनी ताकत हो मेरे में जितना ज्ञान हो उस ज्ञान से मुझे उसको ठीक करना है बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते थे और ये बहुत काम की बात है हमारे यहां गुजराती में कहा जाता है एक लाकड़ी बदन न इसका मतलब ये हुआ कि सबके साथ सेम व्यवहार नहीं हो सकता इधर भाजी है इधर खाजा है दोनों टके शेर हो सकता है बाजी बाजी होती है वो खाजा खाजा होता है। इस तरह से सभी मनुष्यों के साथ भी एक तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता मेरे को मैं जब सियाटल उतरा मिड मे में तो उस टाइम मैं वहां ऐसे ही अपना नंबर लगे उसमें इमिग्रेशन में तो अपने खड़े थे यूं चौदह घंटे का फ्लाइट लग करके और यू देखते हैं सब जगह तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं खड़ी थी और वो लाइन में अपना जब नंबर आए उसकी राह देख करके तो मैंने कहा ये बड़े होशियार लोग हैं लेकिन इन लोगों का अभी तक भी ध्यान नहीं गया जैसे वो व्हील वालों को कुछ प्रायोरिटी देते हैं ऐसा कुछ होता है उस तरह से उन लोगों का दृष्टि जानी चाहिए जिसके हाथ में छोटा बच्चा हो ऐसी माताओं को या जो भी परिवार हो उसको भी थोड़ा प्रायोरिटी दे करके ले जाना चाहिए क्योंकि वो बच्चा भी चौदह घंटे के फ्लाइट से उतरा है उसकी कोई ताकत नहीं है उसकी माँ को वो बड़ा परेशान कर रहा है होना चाहिए ऐसा कि दृष्टि पड़े तो वो सबके साथ एक सेम सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं चल सकता ध्यान होना चाहिए इन लोगों का एनी anyway, वे अपने तो कौन सुने ये तो अपना घर घर की बात है तो बता दिया तो ये हनुमान जी की बुद्धि और बल दोनों की जरूरत है विभीषण जैसा भला आदमी भी है अब केवल देखो आगे जाकर के सुंदरकांड में आपको ये सारी चीजें अप होने लगेंगी केवल उसके आंगन में तुलसी का पौधा इतना देखा और हनुमान जी कहते हैं कोई सज्जन होना चाहिए क्यों बोले लंका में तो जिधर देखो उधर कहीं पशु कड़े काट करके रखे हैं और कहीं बुचरी जैसा चल रहा है और कहीं तो कोई दारू पी रहे हैं कहीं किसी के वस्त्रों का ख्याल नहीं कैसे पड़े हैं और कहीं ये पुरुष और महिलाएं कैसे कैसे पड़े हैं ये सब वाल्मीकि में वर्णन मिलता है तो हनुमान जी ने कहा इसके घर पर यह तुलसी का पौधा इट मीन्स यहां अंदर रहने वाला कोई भला आदमी है और ये सही भी हुआ क्योंकि जैसे विभीषण जागा राम राम करते हुए जागा और हनुमान जी ने वो सुना भी ये सुंदर कथाएं हैं फिर जानकी जी जो हनुमान जी को बिल्कुल नहीं जानती अब एक तो वानर और उसको किसी महिला से मिलना है और कोई सिंपल वाली भी महिला हो तो उसके साथ भी बात करने में आपको ख्याल रखना पड़ता है तो फिर यदि स्वयं जगत जननी जानकी हो तो उसके साथ बात करने में कितनी मर्यादा कितना सही कितना क्या क्या देखना पड़े हनुमान जी बहुत अच्छी तरह से उस चीज को भी टैकल करते हैं ये सुंदर है फिर अपनी ताकत का परिचय देते हुए थोड़ा उधम मचाया लंका में फिर रावण के पास गए और रावण ने कभी हनुमान जी को नहीं देखा था हनुमान जी ने कभी रावण को नहीं देखा था और रावण कोई बातों का आदमी नहीं था वो तो कभी भी किसी का भी सर कलम कर दे लेकिन देखो हनुमान जी की ताकत वो हनुमान जी को दंड नहीं दे पाया दोनों के बीच में चर्चा हुई ये सुंदर कथा है फिर ज्यादा होशियारी किया तो हनुमान जी ने भी अपनी ताकत दिखा दिया कि ले ये तेरी लंका जला के दिखा दी और बाल तक माका नहीं हुआ तो ये भी सुंदर बात मतलब हनुमान जी के पूरे कैरेक्टर से ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया पर उस तरह से ये पूरे सुंदर कांड में कथा सुंदर 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 है और अंत में फिर वो समुद्र शरण में आता है और प्रभु से कहता है कि प्रभु आप मेरे ऊपर पुल बंधवाइए और इसके द्वारा फिर मेरे उत्तर किनारे पर रहने वाले रावण को मारिए तो इसका नाम सुंदर इसलिए भी है कि इसमें सुंदर कथा है परमात्मा श्री हरि की ही कथा है और इस परमात्मा को हम प्रणाम करें प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी को वंदन किया है शांतम शाश्वतम अप्रमे अब अपनी बुक खोल सकते हो हम सुंदरकांड में एंट्री कर रहे हैं इसमें सबसे पहले लिखा है शांतम शाश्वतम अप्रमे यमन शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिम् वंदे हम करुणा करम रघुवरम भूपाल जुड़ा इस श्लोक में श्री राम को प्रणाम किया है वंदे हम का मतलब मैं वंदन करता हूं किसको रघुवरम रघुकुल में उत्पन्न हुए जितने भी पुरुष थे उसमें वर माने श्रेष्ठ जैसे नटवर बोलते हैं तो इसका मतलब नटों में अभिनेताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है वो नटवर है उस तरह से रघुकुल में जितने पैदा हुए उसमें सबसे श्रेष्ठ है उसको बोलेंगे रघुवर परमात्मा श्री हरि कैसे हैं बोले रघुवर हैं ऐसे रघुवर को मैं प्रणाम करता हूं परमात्मा श्री हरि को प्रणाम करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये शांत हैं और शाश्वत हैं और अप्रमेय है इसका मतलब होता है प्रमाणों से परे हैं इसको आप किसी भी प्रमाण से नाप नहीं सकते कि ये कितने लंबे हैं कितने चौड़े हैं या इनमें कितनी दया है कितनी करुणा है कितनी सामर्थ्य है और अनघम का मतलब होता है जो निष्पाप हैं जो मोक्षरूप परम शांति देने वाले हैं ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित हैं रामावतार में भी ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में हैं और कृष्णावतार में भी ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में है ये जो झांबवान है वो ही ब्रह्मा है यानी ब्रह्मा जी ही जाम्बवान का अवतार लेकर के आए हैं और शंकर भगवान कौन है ये तो पूछने की बताने की जरूरत है कि नहीं है कौन है शंकर हनुमान स्वयं शंकर बनकर के वानर आकार विग्रह इन्होंने वानर का आकार धारण किया है वास्तव में पुरारी त्रिपुरारी भगवान महादेव ही है तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए ब्रह्मा, राम जी विष्णु और हनुमान जी शंकर ये तीनों साथ में उस तरह से लाल में भी ऐसे ही है वो, जो बांसुरी बजाते हैं, वो शंकर भगवान है और जिस लाठी को लेकर के जाते हैं गायों को चराने के लिए वो लाठी ब्रह्मा है और स्वयं विष्णु है तो इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में ही रहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा शंभु और शेष जी से जो निरंतर सेवित हैं वेदांत वेद्यम यानी वेदांत के द्वारा जो जानने योग्य हैं और जो विभू है यानी सर्वव्यापक हैं, ये जगदीश्वर हैं, समस्त जगत के ईश्वर हैं सुर गुरु हैं यानी देवताओं में सबसे बड़े हैं और ऐसे माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले वास्तव में तो हरि हैं ऐसे करुणा करने वाले रघुवर और जो भूपाल चूड़ामणि उपाल कहते हैं राजाओं को इन समस्त राजाओं में जो सबसे बड़े हैं ऐसे राम को वंदे हम मन में वंदन करता हूं ऐसे राम को प्रणाम किया अब क्यों किया बोले रामायण के सब कांड के प्रारंभ में इस तरह से गोस्वामी जी सबसे पहले राम जी को प्रणाम करते हैं अब बोले उन्हीं राम जी से कुछ याचना करते हैं कुछ मांग करते हैं दूसरा श्लोक न्यास स्पृहा रघुपते हृदय स्म दीये वदामि च भवान अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोषरहितं कुरु मानसं प्रणाम करते हुए राम जी से मांगते हैं कहते हैं सत्यम वदामी दूसरी लाइन हे राम मैं सच कहता हूं आप तो सबके अंतरात्मा हो हो अंतरात्मा मेरे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है हे रघुनाथ मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि आप अपनी निर्भरा माने पूर्ण भक्तिम प्रयच्छ आप मुझे अपनी भक्ति दे दो हे राम और फिर भक्ति दो तो केवल भक्ति से काम नहीं बनेगा फिर उस भक्ति को संभालने के लिए मेरे हृदय को ऐसा बना दो जिसमें काम आदि दोष न हो काम आदि दोष रहितम मानसम ऐसा मन बना दो कि उसमें काम आदि दोष न रहे क्योंकि काम आदि भी होगा और तुम्हारा प्रेम भी होगा तो उसकी शोभा नहीं है परमात्मा का प्रेम वही उसकी शोभा है जहां पर सांसारिक लौकिक काम आदि न हो तो परमात्मा से कहा कि प्रभु पहले तो एक बढ़िया वाला हीरा दे दो और उस हीरे को रखने के लिए बढ़िया वाला केस भी दे दो है ना बिना बॉक्स के कोई गहना तो आता नहीं है तो आपका जो ये गहना है आपकी जो ये भक्ति है इसको रखने के लिए मेरे मन से काम आदि भी हटा दो अब हनुमान जी को प्रणाम करते हैं ये ठीक से गिनना इसमें हनुमान जी के आठ नाम है त्रीजो श्लोक अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वन रघुपति प्रिय भक्तम वात जा नमामी अतुलित अतुलित बलधामम एक है ना फिर हेम शैलाभदेहम दो दनुज वन कृषाणुम तीन और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम चार सकल गुण निधानम पांच और वान राणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम सात और वात जातम आठ यह हनुमान अष्टक है ऐसा कहते हैं श्री हनुमान जी के आठ नाम हैं जिसमें ऐसा यह हनुमान अष्टक है ऐसा कहा जाता है कहा कि हनुमान अष्टक क्यों है बोले हनुमान जी के आठ नामों को बता करके विद्वान लोगों ने कहा कि इसमें पूरा का पूरा सुंदर कांड जो है वो यहां पर दिखा दिया है कैसे पता चलेगा बोले हनुमान जी जो जो चरित्र करने वाले हैं वो समस्त चरित्रों को ही यहां पर दिखाया है आठ विशेषण है तो हनुमान जी के आठ नामों की ही वंदना की है क्योंकि अतुलित बलधामम का मतलब अतुल बल के धाम और उनको लास्ट वर्ड देखो नमामी तो जिसमें अत्यंत बल है उनको नमामी माने नमस्कार करता हूं हेम शैलाभ देहम हेम का मतलब है गोल्ड सोना और उसका शैल माने पहाड़ और उसके जैसी देह है जिसकी अब कल्पना करो हनुमान जी सोने के पहाड़ जैसा शरीर है ये कोई काला पीला लाल बंदर नहीं है जैसा सोने का पहाड़ हुआ ऐसा है ना तो सुवर्ण से ज्यादा सुवर्ण यदि कहीं आपने देखा होगा तो उससे थोड़ा सा पता चलेगा जैसे दक्षिण भारत में एक लक्ष्मी जी का मंदिर है पूरा पूरा सोने का बना हुआ है कई मंदिर जैसे अपना काशी विश्वनाथ है उसका पूरा शिखर उसमें सब सब पूरे में वो गोल्ड उससे उसको मर दिया गया है इस, इस तरह से ज्यादा जा, सोना देखा हो तो उससे थोड़ा सा पता चलता है अच्छा ऐसा पहाड़ और ऐसे दिखते हैं हनुमान जी तो हे शाभ दे हम सोने के पहाड़ जितना बड़ा हनुमान जी का विग्रह है और दनुज वन कृषाणु माने ये दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम समस्त ज्ञानियों में यह अग्रगण्य है इस तरह से एक एक को नमामि नमामी नमामि करते चलेंगे तो हनुमान जी के आठ रूपों को वंदन किया गया है ये आठ नाम हनुमान जी के इस वजह से सबके अंत में नमामि कह देंगे तो ये हनुमान अष्टक हो जाएगा कहते हैं कि इस तरह से परमात्मा जो हनुमान जी हैं उनका यहां पर लीलाओं का ही वर्णन दिया गया है ये प्रायः So, ये रामचरित मानस का यदि थोड़ा बहुत पाठ किया होगा तो उनको पता होगा ये हनुमान जी की वंदना नहीं होती वंदना शिव जी की कई बार आई है शंकर भगवान की वंदना के श्लोक रामचरित मानस के कांडों के प्रारंभ में जब प्रणाम किया जाता है तो कई बार दिखते हैं हनुमान जी का नहीं है तो इससे भी दिखाया कि देखो इससे समझना क्या बोले यही समझना है कि श्री हनुमान जी वो दिखते हनुमान जी हैं वास्तव में वो शंकर भगवान ही है परमात्मा भगवान महादेव ही यहाँ पर शंकर बन ही यहाँ पर हनुमान जी बनकर के आए हैं तो इस तरह से श्री हनुमान जी का अद्भुत चरित्र जिसमें बताया ये मंगलाचरण किया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने और इसके बाद में फिर चौपाई का प्रारंभ मूल तो रामचरितमानस जैसे आप जानते हैं उस तरह से वो संस्कृत में नहीं है ये ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में है यानी गांव के लोग जो हिंदी बोलते हैं वैसी हिंदी में है तो गुजरातियों को तो ये हिंदी भी कठिन पड़ती है और गुजरातियों को क्या हिंदी भाषियों को भी कठिन पड़ सकती है क्या कारण पता है वो दिखता है ऐसा कि गांव की गाउठी ये हिंदी लिखी है इतने ज्यादा संस्कृत शब्द हैं इसमें कि चक्कर में पड़ जाओगे जैसे एक एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ जाऊंगा ये शायद मैं इससे पहले आया हूँ तब भी दिया हो तो मेरे को पता नहीं लेकिन चार साल बाद यदि दिया जाए तो उसको रिपीटेशन नहीं बोलेंगे ठीक है ना ओके क्या बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी तो मंगल भवन जो मंगल करते हैं अमंगल हारी जो अमंगल का हरण करते हैं द्रवऊ वो मुझ पर कृपा करें द्रवे सो माने वो और दशरथ राम जी के पिताजी का नाम है अजीर इसका अर्थ क्या करें अजीर जी मैं जीरो नो न के ही। क्या करेंगे मिला कुछ यस क्योंकि वो जी वर्ड आया तो आपको लगा कि हो सकता है जिसमें दशरथ का तो मैं क्या कह रहा था इससे पहले कि इसमें बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स बरे हैं है ना अब मैं फिर उसका ये एग्जांपल दे रहा हूं तो लगता है कि गांव में बोली जाने वाली सीधी शादी हिंदी है बिल्कुल नहीं है मैं संस्कृत पढ़ा हूं मेरी मानो ये संस्कृत में जो अपना आंगन होता है ना उसको संस्कृत में अजीर कहते हैं बिहारी जिसमें विहार करते हैं वो तो एकदम क्लियर है तो अब समझ गए द्रव उसो दशरथ अजीर बिहारी जो दशरथ के आंगन में ठाकुर जी खेलते हैं वो मुझ पर कृपा करें अब एक अजीर वर्ड में अपने सब रुक गए तो कौन कहता है रामचरितमानस इजी है जो भी पढ़ते हैं ना उन सबको पता है गोस्वामी जी ने क्या कृपा करी बोले भारत के किसी भी व्यक्ति के खून में जो भाषा है वो संस्कृति है दस पीढ़ी से कहीं बाहर चले जाओ आपके खून में जो लैंग्वेज है वो संस्कृति है ये वेस्ट इंडीज वालों के नाम देखो है ना कितनी पीढ़ियों से उनको कोई गुजराती हिंदी कोई कोई भाषा हमारी भारत की नहीं आती लेकिन उनके नाम देखो ये तो परिचित है ना आप लोगों से फिजी वालों के नाम देखो कितनी शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं नहीं तो भारत कभी नहीं गए होते हो सकता है कुछ पीढ़ियों से इंडिया नहीं देखा हो लेकिन शुद्ध हिंदी संभाल करके इसका मतलब और कुछ नहीं है प्रभु ये ये जैसे अभी हम ये अतुलित बल धाम हम ये तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाता चला गया नहीं भी समझाता ना तो ऐसे ही मैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अमृत में दामोदर माधवेति इसका मीनिंग आप, आपको कुछ भी नहीं पता हो तो भी हमारे कानों में जैसे वो शहद घोलता है मीठा लगता है कान को क्यों बोले हमको समझ में नहीं आता वो बात अलग है पर अंदर से हमारा खून उछलता है कि दिस इज समथिंग आई नो दो आई नो बट आई नो है ना क्यों बोले उसके साथ आपका कनेक्शन है कई चीजें ऐसी हैं जो संस्कृत में आप मैं, मैं यहां मैं किसी को भी खड़ा करूं बोलो वक्रतुंड का मतलब क्या होता है नहीं गणपति बापा का श्लोक है वो तो ठीक है लेकिन वक्रतुंड इसका इंग्लिश करो वो नहीं पता वो तो आपका काम है तो मेरे पे डाल देंगे पर बात देखी आपने हमको कुछ एक अक्षर का पता नहीं है फिर भी हम बड़ा आनंद लेते हैं इसका इसमें गणपति बापा का मंत्र है एक अक्षर समझ में नहीं आए फिर भी हमारा कनेक्शन होता है इस तरह से गोस्वामी जी चाहते थे कि संस्कृत से चाहे कैसी भी नलायक सरकारें आए भारत की प्रजा का कनेक्शन ना टूटे वो ऐसी गोलियां आती है ना डॉक्टर साहब ऊपर से मीठी लगे अंदर से उसको जो देना है दे दिया जाए है ना तो जीभ को नहीं पता चलता कि क्या वो अंदर ले रही है उस तरह से ये गांव की भाषा है ऐसा आपको ऊपर से दिखा दिया अंदर से तो वास्तव में उन्होंने बड़ा भगीरथ प्रयत्न किया है कि संस्कृत बच जाए क्योंकि जो भी मानस जी की चौपाइयों के मीनिंग्स देखेंगे और मैं यह आपको हाथ जोड़ करके विनती करूं केवल मानस की बात नहीं है तुम भागवत का पाठ करो या गीता जी का पाठ करो या रामायण का करो इवन हनुमान चालीसा क्यों नहीं करते आपको प्रयत्न करना चाहिए कि विथ मीनिंग वाली ही बुक रखो हम लोग प्रवचन करते हैं तो उस समय आपके सामने मीनिंग्स ही तो बोलते हैं केवल मानस जी का पारायण करके चला जाऊंगा तो आप या मैं मैं भी कोई मेरे थोड़ी समझ में आता है मैं भी तो अर्थ वाली रामायण लेकर बैठा हूं तो मैंने वो जो शुरुआत में कहा था वो बात अभी आपको समझ में आई कि इसमें से चार भी चौपाई हम समझें तो भी ठीक है अगली बार आऊंगा और आगे वाली चार से सुना दूंगा लेकिन हमको समझ में आए ये बहुत जरूरी होना चाहिए ऊपर से नीचे तक हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके चले गए और हजार में से एक नाम समझ में नहीं आए क्या मतलब है इसका पूरा सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण से पूरा संस्कृत पढ़ लिया या राम रक्षा स्त्रोत्र पढ़ लिया या हनुमान चालीसा कर लिया कुछ भी आप हमेशा ध्यान रखना आप जो बोलते हो उसके मीनिंग्स आपको पता हो उतना प्रयत्न करो और हम लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं रही इंटरनेट पे कुछ भी विथ मीनिंग लिखते ही वो विथ मीनिंग दिखा देगा है ना बहुत बड़ा जगत गुरु है गूगल बड़ी कृपा कर दी भगवान ने और जय विज्ञान है ना नहीं तो मेरी इतनी आवाज नहीं है कि मैं इतने सब लोग सुन सके उस तरह से जोर से बोल पाऊं लेकिन एक छोटा सा मेरे हाथ में थमा दिया और देखो सब बड़े आराम से सुन पा रहे हैं तो जय विज्ञान तो उस विज्ञान का सदुपयोग करें और जो भी केवल वक्रतुंड महाकाय क्यों नहीं बोलते केवल कर्पूर गौरव करुणावतारम क्यों नहीं बोलते मीनिंग समझना क्योंकि जो अर्थ आ जाते हैं तो फिर बड़ा मजा तो गोस्वामी तुलसीदास जी अब चौपाइयों में हम लोगों को उस कथा प्रसंग से आगे ले जाते हैं सबसे पहली चौपाई जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय भाए गोस्वामी जी कहते हैं कि जामवंत ने वो जो वचन सुनाए हनुमान जी ने जैसे ही सुने तो उनको बड़े अच्छे लगे जामवान के क्या वचन थे बोले वही कि क्यों चुप रह करके बैठे हो अरे राम कार्य करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है और जैसे ही राम का कार्य करने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूं इतना सुना और अत्यंत प्रसन्न हुए सोने के पहाड़ जितना अपना विशाल शरीर प्रकट किया और वहीं पर हनुमान जी जाम्बवान को कहने लगे कि पूरी लंका को उठा करके समुद्र में डाल दूंगा जानकी जी को मेरी कांदे, मेरे कांधे मेरे कांधे पर बिठा करके मैं ले आऊंगा हे जाम्बवान आप मेरे को आज्ञा दो मुझे क्या करना चाहिए जाम्बवान ने कहा तुम में ताकत बहुत है लेकिन ये सब नहीं करना है और रावण को मारना और ये सब काम राम जी आएंगे और वो रो करेंगे आपको खाली वहां जाना जानकी जी से मिलना राम जी का संदेशा देना और जान, जानकी जी का संदेशा लेकर वापस आना एंड दैट्स इट देखो आवेश में भी विवेक नहीं चुकते समझ रहे हैं कि कठिन है आवेश में भी विवेक नहीं चुकते ताकत तो गजब की है जो युवा होते हैं उसमें क्या होती है बोले उसमें ताकत होती है और स्पीड कितनी भी हो लेकिन यदि राइट डायरेक्शन नहीं हो तो फर्स्ट गियर में गाड़ी को डाल करके दोनों पैर रख दो एक्सेलरेटर के ऊपर फिर देखना आपके गराज की दशा क्या होती है केवल स्पीड से काम नहीं बनता डायरेक्शन भी ठीक होना चाहिए वो डायरेक्शन बिना अनुभव के नहीं आता और वो स्पीड ये बिना एनर्जी के नहीं आती तो जबरदस्त एनर्जी होती है युवाओं में और जबरदस्त डायरेक्शन तरह होना चाहिए यह अकल होती है वृद्धों में इसलिए युवाओं को अपना यदि जीवन सुधारना है तो अपने बुजुर्गों से सलाह लेना ही चाहिए यदि ये नहीं करते तो बहुत बड़ी चीज चूक जाते हैं और ये जितने भी युवा यहां पर बैठे हैं ये खास ख्याल करना आपसे उम्र में बड़ा एक भी व्यक्ति हो यदि दुनिया में उसका लाभ लेना जिनके नहीं होते हैं ना ऐसे लोगों के चेहरे देखोगे तब पता चलेगा कि उनका नहीं होना लोगों को बड़ा खलता है अस्सी साल की मां बैठी हो ना उसका साठ साल का बेटा भी उछलता है और तीस साल का बेटा हो उसके ऊपर भी मां बाप का यदि छत्र नहीं हो ना तो उसको देखना वो अचानक बड़े हो जाते हैं ये कहां पर हुआ अभी एक विमान क्रैश हुआ और उसमें केवल तीन चार बच्चे ही बच गए पता है इसके बारे में कुछ कहां पर हुआ था ये? एमेजोन के जंगलों में हुआ था ना साउथ अमेरिका में हुआ था ना सबसे बड़ा बच्चा था उसकी उम्र क्या थी थर्टीन और वो बॉय था गलती? गलत गल ओके So, मुझे अच्छा लगा जैसे मैं ये सब पढ़ता रहता हूं आपने भी पढ़ा है थैंक यू मेरे को भी अच्छा लगता है केवल यही नहीं देखना बाहर क्या चल रहा है वो भी देखना और आप भी देखना बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती चलेगी ये केवल उपदेश देने के लिए नहीं जानता हूं अपने को सीखने को मिलता है इसलिए जानता हूं तेरह साल की बेटी माँ बाप मर गए वो एक तो नौ महीने का बच्चा था अभी उसका फीलिंग हो रहा होगा वो भी जिंदा था जब मिलिट्री वालों ने देखा उस तेरह साल की बच्ची देखो बड़ी हो गई न मां रही न बाप हो रहा तेरह साल की बच्ची भी बड़ी और अस्सी साल की मां बैठी हो तो साठ साल का बच्चा भी उछलता कूदता उसकी गोद में सिर रखता है क्या समझे इसका मतलब यह हुआ कि अब अपने से कोई बड़ा बैठा हो और कई लोग ऐसे हैं मेरे माँ बाप तो हैं लेकिन बड़े आउट ऑफ डेट सारे उसकी थिंकिंग देखो सब बेकार पुराने जमाने के <laughs> ए तू थोड़ा बड़ा होगा ना तेरे बच्चे भी तेरे बारे में यही बोलेंगे कोई इसमें अलग नहीं होना है वो तो जैसे हैं वैसे हैं पर पेड़ बड़े हो जाए तो कभी कभी फल नहीं देते लेकिन छाया तो देते हैं ना और छाया भी कम महत्व की चीज नहीं है जब वन टेन हो पेड़ की छाया भी बड़ी महत्वपूर्ण है बात समझ गए हनुमान जी में जबरदस्त एनर्जी लेकिन वो वहां से तुरंत कूद करके रावण को मार करके लंका डुबो करके जानकी को उठा करके लाए नहीं वो आवेश था और वो, और वो कोई वो कोका कोला की बोतल खोलते हुए जो वो निकलता है वो उभरो नो तो ताकात हनुमान जी में पर देखो हनुमान जी को उन्होंने जामवंत मैं पूछूं तो ही यदि एक भी बुजुर्ग बैठा हो तो उसको पूछने से उसको कितना ज्यादा अच्छा लगता है यह तो किसी बुजुर्ग से पूछा जाए और धृतराष्ट्र अंधा बैठा रहता था और दुर्योधन कभी नहीं पूछता था और कृष्ण भी आ गए तो भी वो अपनी तरह से निर्णय करने लगा इसको जेल में डाल दूंगा यह कर दूंगा वो कर दूंगा बुजुर्ग बोले नहीं लेकिन उनको खराब तो लगता है कि मैं अभी जिंदा हूं कम से कम कुछ पूछ तो सही तो यदि आपके बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हों तो उनसे लाभ लेना हनुमान जी ने लाभ लिया और हनुमान जी को उन्होंने जो समझाया यही झामवंत के वचन जहां से सुंदरकांड शुरू होता है वो झामवान के वो वचन कि प्रभु आप केवल जाओ जानकी जी को राम जी का समाचार दो और जानकी जी जो मैसेज दें वो लेकर के वापस आ जाओ और इतना ही करना है इसके आगे कुछ नहीं करना है ये सुनी हनुमंत हृदय अति भाए पहली ही चौपाई में सुहाए यानी सुंदर वचन सुने और हनुमान जी को भी बड़े अच्छे लगे ये आनंद से शुरू हुआ है इसलिए भी सुंदर कांड है और लास्ट में भी समुद्र ने जो कहा राम जी को तो राम जी को बड़ा अच्छा लगा ये अच्छा लगा वहां से शुरू होता है और अच्छा लगा वहीं पर पूरा होता है इसलिए भी इसको सुंदर कहते हैं श्री हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा हनुमान जी ने कहा कि मेरे हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा है लेकिन मेरे को दुख भी लग रहा है कि मैं आप सब लोगों को यहां पर समुद्र के किनारे छोड़ करके वहां जा रहा हूं लेकिन मुझ पर विश्वास रखना दुख सहना जो मिले खा लेना जो मिले पी लेना क्योंकि किशकिंदा में रहने वाले और अभी समुद्र के किनारे बैठे हैं तो जो मिले खा पी लेना लेकिन मेरी राह देखना यदि ज्यादा भी दिन लग जाए तो भाग मत जाना कि तो आए नहीं अब हमको यहाँ बैठ कर क्या करना है जा जा इसलिए धारण करना चाहिए और कंद मूल फल जो मिले खाते रहना और मेरी राह देखना मैं आऊंगा काम हो जाएगा ऐसा मेरे हृदय में बड़ा हर्ष है परंपरा से हमारे यहां यह कहा गया कि ये जो चौपाइया है ना जो भी व्यक्ति इसका पाठ करके फिर यात्रा प्रारंभ करते हैं उनकी यात्रा कभी निष्फल नहीं जाती ये आप सब जानते ही होंगे कि रामचरित मानस ये कोई कविता नहीं है ये ऐसा ग्रंथ है जिस पर साक्षात काशी विश्वनाथ महादेव ने तीन शब्द लिखे थे सत्यम शिवम सुंदरम यानी इसमें जो लिखा है सब सत्य है दूसरा इसमें जो कुछ लिखा है वह सब केवल सत्य ही नहीं है शिवम कल्याणकारी है शिव शब्द का मतलब होता है कल्याणकारी कल्याण शिव का मतलब कल्याण तो इसमें जो कुछ लिखा है वो उसमें से किसी भी चीज को आप फॉलो करोगे तो आपका कल्याण ही होगा और तीसरी चीज सुंदरम कभी कभी सत्य होता है लेकिन सुंदर नहीं होता है ना जिसके आंखें नहीं है उसको अंधा भी कहा जा सकता है लेकिन देखो ये सुंदर सत्य नहीं हुआ और उसको यदि ये कहा जाए कि हे सूरदास जी थोड़े साइड में रहिए यहां से वेहीकल निकलेगा तो सूरदास कहना ये इसमें भी बात तो वही हुई लेकिन वो सुंदर सत्य हुआ सत्य होना चाहिए फिर सुंदर सत्य होना चाहिए, और, और एक छलांग मार दो जैसे हनुमान जी ने मारी कल्याणकारी सत्य होना चाहिए रोज हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम रोज अपने आप को इस तरह से डेवलप करते चले और उस डेवलपमेंट में ये हमारी भाषा में ये दिखना चाहिए हमारे व्यवहार में ये दिखना चाहिए तो श्री हनुमान जी ने कहा कि मुझे बड़ा उत्साह है और ये मैं जा रहा हूं और कार्य जरूर होगा और इस तरह से जय श्री राम करके उस समुद्र के किनारे जो एक पहाड़ था उसके ऊपर हनुमान जी चढ़े और जैसे ही कूदे हैं हनुमान जी हवा में कहते हैं जिस पहाड़ पर से हनुमान जी कूदे एकदम पाताल में चला गया तो अमेरिका वो जहां से हमने शुरू किया था वो कहते हैं पाताल है सीधा पाताल में वो धंस गया अब तो हनुमान जी उड़े लेकिन देखो हनुमान जी यानी भगवान का काम करने के लिए जो भी तैयार होते हैं तो लोग उसको फैसिलिटी बहुत देते हैं हमारी सुटकेसो ना उपाड़वा दे कई कई हम बहुत वाल रखे हमारी ऊपर ध्यान ना रखिए तो हमें बधाई आड़सू ना पीर थी जाए हमें अमेरिका आमे सीखिए जाते काम करव जो અને તમે કંઈ અમને અમારી બેગે ઉપાડવા દો નહીં અમારે જબરદસ્તી કરવી પડે એટલે કસમકશ હોય છે કે આપણે અહીંથી આ બધું શીખીને જવાનું છે કે નહીં કારણ કે અહીંયા વાળા બધા બહુ ગૌરવથી લગભગ એકાદ વાર તો બોલે છે અહીં કંઈ નોકર ન મળે હે ને ઓલમોસ્ટ મેં હર સબ મેં એકાદ વાર તો સુનતા અહીં કંઈ કામ કરવાવાળા ન મળે જોકે હું મનમાં તમને બધાને એમ કહું ત્યારે કે મળતા હોત તો તું રાખત કે નહીં આફ્રિકામાં ઇન્ડિયામાં જ્યાં બહુ મળે છે એટલે તો એ આફ્રિકા છોડતા નથી ને બચ્ચાઓ જેટલા છોકરા અમેરિકા આવ્યા હોય પછી ભણી ગણીને અહીંયા સ્થિર થઈ ગયા હોય પણ એના બાપુજીને એમ કે તમે આવતા રહો ને અહીંયા આપણે સુખી છીએ શું જરૂર છે અમે આફ્રિકામાં રહેવાની તો કે નહીં અમને અમને જોઈએ એટલે પછી ઓલા બધા સુંદરો એની સેવામાં હોય તે એને છોડી ના શકે आम अपने शालीग्राम जी सेवा करिए न्याय आखा देश ना देश शालीग्राम शालीग्राम जी आप सेवा में हो मैं अफ्रीका से ही आया हूँ और वहीं जाने वाला हूँ वापस तो मेरे को ही ऐसे सुंदरों का परिचय है और तो इंडिया में भी ऐसा ही है एक एक काम करवा करने नौकरो मेले कौन इंडिया छोड़े ऐसा ही होता है तो जैसे ही राम का कार्य करने के लिए कोई चलता है तो फैसिलिटीज सामने से आने लगती है हनुमान जी के सामने भी यही हुआ समुद्र ने मैनाक पर्वत को कहा सुंदरकांड का पाठ करते हैं इसलिए मैं एकदम चौपाई टू चौपाई आपके सामने पर आप कथा जानते हो समुद्र ने कहा जाओ और तय मैनाक हो ही श्रम हारी है मैनाक तुम जाओ और हनुमान जी के श्रम को हर लो मैनाक जो है वो पहाड़ वो पूरे समुद्र से बाहर निकला और हनुमान जी ने देखा कि पानी से पहाड़ कैसे निकल रहा है तो मैं नाक ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु इस पर थोड़ी देर बैठ जाओ क्योंकि ये जो आप जा रहे हो ना उसमें कहीं भी बीच में एक छोटा सा भी आइलैंड नहीं है इसी को आइलैंड समझ लो थोड़ी देर के लिए यहां बैठ जाओ और देखो श्री हनुमान जी की भावना क्या है ये हनुमान ते ही परसा पहला दोहा आपके पास बुक है देखना चाहो तो हनुमान जी ने क्या किया बोले हनुमान ते ही परसा ये परसा का मतलब है स्पर्शा यानी स्पर्श किया ही टचड क्यों स्पर्श किया इसका सीधा साधा मतलब है कि मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं जो चीज आप खाना नहीं चाहो ना उसको छू सकते हो या सूंघ सकते हो सूंघना आधा खाना हुआ और स्पर्श करना यह स्वीकार करना हुआ इसलिए जिस भी वस्तु को गोकुल में गोपियों से दीक्षा प्राप्त करके जब उद्धव वापस आया तो कृष्ण कौन है यह समझा क्योंकि गोपियों ने समझाया कि कृष्ण कौन है और उसके बाद में कुबजा के घर कृष्ण और उद्धव दोनों जाते हैं कुबजा ने बैठने के लिए दो आसन रखे थे कृष्ण भगवान तो उस आसन पर बैठ गए हैं भागवत में वर्णन मिलता है उद्धव ने उस आसन पर अपना हाथ रखा और कृष्ण के चरणों में नीचे बैठा नहीं तो ही वॉज फ्रेंड ऑफ कृष्णा मित्र उसी को कहते हैं जो समान आसन पर बैठे एक दूसरे के कांधे पर हाथ रखे हे कृष्ण हे यादव हे सखेती सखा है कृष्ण का लेकिन उद्धव को पता है कि कृष्ण कौन है उस वजह से उसने उस आसन पर केवल हाथ रखा खुद बैठा नीचे ये हाथ रखा इसका मतलब आई एक्सेप्ट दिस बट आई कैन नॉट सिट ऑन दिस इन फ्रंट ऑफ कृष्ण इसका मतलब मैं स्वीकार तो करता हूं तो ये, ये हनुमान ते ही परसा हाथ से स्पर्श किया इसका मतलब हुआ कि तुम मुझे जो विश्राम करने के लिए ये फैसिलिटी दे रहे हो ना उसका मैं स्वीकार करता हूं लेकिन हनुमान ते ही परसा और कर पुनिकीन प्रणाम उन्होंने हनुमान जी ने हाथ लगाया और फिर प्रणाम किया और क्या बोले बोले राम काज कीन है बिनु मोही कहा विश्राम राम का कार्य किए बिना मुझे कोई विश्राम लेने का समय नहीं है थकान नहीं थी होगी लेकिन मैं रुक नहीं सकता क्यों बोले उधर मेरी मां बैठी हुई रो रही है जल्दी से जल्दी जाना है जानकी को राम का संदेशा देना है उनसे राम को देने के लिए संदेशा लेना है तुरंत प्रभु के पास जाना है और प्रभु हम सबको लेकर के जाएंगे रावण को मारेंगे जानकी जी को लाएंगे राम सीता फिर मिल जाएंगे ये प्रोजेक्ट है राम का कार्य किए बिना मेरे से कोई विश्राम नहीं लिया जाए इसका मतलब यह हुआ जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करने के लिए चलता है तो उसको फैसिलिटीज तो बहुत सारी दी जाती हैं लेकिन उसको देखना चाहिए कि मेरे सामने इतने लड्डू हैं ये सब मैं खा जाऊंगा तो आज ही मर जाऊंगा हाथ लगाओ और या थोड़ा सा ले लो बाकी बांट दो तुम राम का काम करो नहीं तो यदि इसी में पड़ जाओगे तो एक न एक दिन वो फिर वो भोग जो है वो तुमको भगवान का काम करने से हटा देंगे आवश्यकता जरूर पूरी करो लेकिन बहुत ज्यादा इच्छाएं पैदा नहीं करो ये तीन टाइम जोन है ना आपके तो तीनों टाइम जोन में मैं घूमता हूं तो उस वजह से मुझे पता है कि जितना इसके ऊपर कंट्रोल रखा जाए आप स्वस्थ रहते हो और यदि दिया जाए वो सब कुछ खाने में तुम्हारी बुद्धि गई और ये खा लिया वो खा लिया ये खा लिया वो सब खाना पीना मौज मनाना जय शराम हनुमान जी से सीखना है तुम राम का कार्य करने के लिए निकले हो तो सबसे पहले पूरा ध्यान तुम्हारा तुम्हारे मुख्य कार्य पर होना चाहिए उसके लिए अपने खून के कतरा कतरा लगा दो अच्छे से अच्छा करके दिखा दो और बाकी राम पर छोड़ दो कभी कहीं कैसा वातावरण कभी कहीं कैसा खाना है ना रोज खाट लो ने रोट लो बदले लेकिन कौन संभालता है बोले राम ये ये संभालने का काम राम करते हैं हम क्या करते हैं बोले हमको जो सेवा मिली है हम वो करते हैं मैंने फिर से मैंने जो कहा था आपके सामने रख दूं कि आई एम वन ऑफ यू ये ये इधर तो इसलिए बैठा हूं कि आपको ठीक से दिखाई दे देट्स इट मैं आपके जैसा ही हूं मैं भी यात्रा पर ही निकला हूं मैं भी खोज ही रहा हूं इसको आप भी खोज ही रहे हो तो हम मिलकर खोजें हो सकता है आपके पास बैठने से मुझे उसके बारे में कोई इशारा मिल जाए हो सकता है आपको मेरे पास बैठने से कोई इशारा मिल जाए और हम यही करते हैं उसमें विश्राम करोगे तो काम बनेगा नहीं इसलिए ने जो कार्य करने के लिए बोला है इन्होंने अपना गोल सेट कर लिया जानकी के पास जाना है और निकले हैं तो फैसिलिटी तो मिली उसका स्वीकार भी किया और एक एक और क्वालिटी देख लो इसमें और फिर हम आगे बढ़ जाएं हनुमान जी ने देखो क्या लिखा है कर पुनी है प्रणाम राम का कार्य करने के लिए निकले हैं तो केवल यूं नहीं घूमते यू भी करते हैं आपने बड़ी मेरी केयर करी आपने बड़ा मेरा ख्याल रखा इस वजह से मैं आपको प्रणाम करता हूं कोई अच्छा कार्य करने के लिए निकला हो उसको विश्राम देने का विचार करना उसको फैसिलिटी देने का विचार करना यह बहुत अच्छा गुण है जिसमें ऐसा गुण है वो प्रणाम करने लायक है उसको प्रणाम करना चाहिए तो हनुमान जी ने यह आशा नहीं करी कि मैनाक मुझे प्रणाम करे के देखो राम का कार्य और वो भी बाई एयर जा रहे हैं ना हनुमान जी ने प्रणाम किया कि बहुत अच्छा विचार है तुम्हारे इन संस्कारों को पकड़ के रखना हो सकता है कल को कोई को दूसरा निकलेगा मेरे जैसा उसको भी वैसे ही संभालना ये संस्कार बहुत अच्छे हैं और ये भी बता दिया कि मेरे से विश्राम नहीं किया जाएगा तो मैं स्वीकार करता हूं प्रणाम करता हूं और मुझे आगे जाना होगा हनुमान जी ने उस फैसिलिटी का स्वीकार नहीं किया तो थोड़े और आगे बढ़े जैसे ही और आगे बढ़े तो लिखा है जात पवन सुत देवन देखा और जाने कहूं बल बुद्धि उसी के नीचे देवताओं ने देखा कि पवन सुत जा रहा है अब रावण के यहां जा रहा है कोई घूमने घामने कोई टूरिस्ट की तरह नहीं निकला है ये तो देखना पड़ेगा कि उसमें बल और बुद्धि कितना है देखो दोनों वर्ड लिखे जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा बल कितना है बुद्धि कितनी है यह देखना है तो सर्पों की माता थी सुरसा नाम अहिन के माता सर्पों की माता को कहा कि आप जाओ और इसके बुद्धि और बल की परीक्षा लो हनुमान जी निकले सुरसा सामने आई खा जाऊंगी बड़ी भूख लगी है देवताओं ने आहार दिया है हनुमान जी ने कहा यार ये कहां बीच में आ गया तो सुरसा ने कहा कि मेरे को तेरे को खाना है और हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं राम का कार्य करने के लिए निकला हूं इसलिए मैं करके वापस आ जाऊँगा और मैं स्वयं तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा ये कहा तो सुरसा कहाँ मानने वाली थी तो देखो यहीं पर हनुमान जी को पता चल गया कि मैं राम का कार्य करने के लिए निकला हूं ऐसा किसी को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्यों बोले तुम क्या तपस्या कर रहे हो तुमने कितनी मेहनत करी है इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है तुम यहाँ आकर के क्या कर रहे हो इतना लोग देखेंगे और ये ये तो स्वाफ, बिल्कुल स्वाभाविक है ना ये माता पिता की तपस्या को समझने वाले बच्चे बड़े दुर्लभ होते हैं माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है और ये प्लीज आप संभाल के सुनना इसको बच्चा बन के सुनना माँ बाप बन के नहीं यदि माँ बाप बन के सुनोगे तो ये कहोगे हमारा हमारा छोकर कहीं खबर नियु के एम नहीं आम जो तुम्हारा बापा है तुम्हारे के मेहनत करी उधर देखना नहीं तो नॉर्मली हम उन गलत जगह पर चले जाते हैं सत्संग अपने लिए होता है अपने माँ बाप की मेहनत को आपने कितना समझा ये सोचो प्राय किसी की अकल में वो क्योंकि हम उसके चश्मदीद गवाह नहीं होते ना हम उसके विटनेस नहीं होते हम लोगों ने वो देखा नहीं होता है और जब वो देख रहे थे तो उस समय हमारी उम्र इतनी नहीं थी कि हम वो देखते हुए उसको समझें कि पिताजी ने अपने को ये चाहिए था वो नहीं लिया और मेरे इस खिलौने को खरीद करके दे दिया या मेरी स्कूल की फीस भर दी या मेरा कोई सपना था मुझे उस टूर पर भेज दिया ऐसा ऐसा हमने क्योंकि वो उनको बोलने की आदत नहीं और हमारी इतनी अकल नहीं होती कि हम उसको समझ पाए उस वजह से ये सारे समर्पण जो हैं वो इसी तरह से दबे हुए रह जाते हैं और जो भी माता पिता बनते हैं वो सब इस तरह का समर्पण करते हैं तभी उसके बच्चे अच्छे से बड़े होते हैं परमात्मा श्री हरि का महान अनुग्रह है तभी जाकर के ये बात समझ में आती है तो हनुमान जी ने सोचा कि राम कार्य के लिए निकला हूं ये ज्यादा बोलना नहीं है तो ये लास्ट था अब देखना आगे कभी नहीं बोलेंगे और ये जो सामने आई है सुरसा ये क्या है बोले ये वासना है अब पकड़ो बात को हनुमान महावीर हनुमान बजरंग बजरंग वज्र जैसा अंग है जिसका वजरंग यही है हिंदी में बजरंग कोई रंग नहीं होता है कलर नाम ना ना ना। वज्र जै अंग छे जेनु है ना वज्र जैसा अंग है ऐसे बजरंग बलि ऐसे महावीर ऐसी ब्रह्मचर्य की साक्षात मूर्ति और सामने आई कौन ये कौन वासना तो बजरंग बली को भी वासना परेशान करे करे यही समझना है हनुमान साधक है निकला है भक्ति की प्राप्ति के लिए और जो भी साधक भक्ति की प्राप्ति के लिए निकलेगा वासना बीच में आएगी ही अच्छा छोटा सा मीनिंग मत करना केवल फिजिकल रिलेशंस इतना ही वासना नहीं होता है कुछ खाने की इच्छा कुछ पहनने की इच्छा कुछ ओढ़ने की इच्छा कोई व्हीकल बसाने की इच्छा बड़ा घर बसाने की इच्छा ये जितनी भी इच्छा है जिसके लिए आपको राम का नाम छोड़ के कुछ और करना पड़े ये सारी चीजें वासना है अब बजरंग बली है ना कोई सामने कोई छोटा सा बंदर किया मच्छर तो नहीं था तो हनुमान जी ने क्या किया अच्छा मेरे को जाने नहीं दे रही है ठीक है खा ले तो उसने वो बड़ा मुख मुख किया उसमें आठ ने सोलह ने सब लिखा है देख लो तो वो गणित में नहीं जाते पर मतलब समझो उसने मुंह फैलाया तो हनुमान जी डबल हो गए वो आठ योजन का मुंह करके खड़ी हो हुई तो हनुमान जी सोलह हो गए और वो सोलह हुई तो हनुमान जी तुरंत पवन सुध बत्तीस भय हुए हनुमान जी बत्तीस योजन हो गए और इस तरह से कितना बड़ा तो लिखा है सत जो जनते ही आनन की ना सत योजन सो योजन का बड़ा मुंह फैलाया अब टोटल समुद्र की साइज क्या थी सो इसने मुंह कितना फैलाया so, तो एक एक उधर उधर बंदर थे और एक छोर पहुंच गया राक्षसों के पास अब हनुमान जी डबल नहीं हो सकते थे क्या हो तो सकते थे लेकिन नो स्पेस है ना तो बल तो दिखा दिया कि मैं इतना बड़ा बन सकता हूं तो सुरसा वासना ने कहा कि तू काय का बल दिखाता है बल देख मेरा तो ये हम सब अनुभवी हैं और हम सब गृहस्थ हैं इसलिए समझ सकते हैं हाथ में माला हो और मन में ये काम वासना के विचार नहीं आए ऐसा कोई नियम नहीं है हम मंदिर में बैठे हों और हमारे मन में वासना नहीं आए ऐसा कोई नियम नहीं है हम कथा में बैठे हों और हमारे मन में कोई इच्छा नहीं हो ऐसा कुछ लिखा नहीं है ये कहीं भी घुसता है रामायण की कथा के अनुसार देखें तो शंकर ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया है वो भस्म हुआ कामदेव हम सबको परेशान कर रहा है वो होता तो क्या होता ये भस्म परेशान कर रही है इसका मतलब क्या हुआ कहानियां एक तरफ और मूल बात यह है कि ये हमारे ही अंदर रही हुई भावनाएं हैं है ना ये कोई पानी थोड़ी है कि ग्लास में भर करके पी लिया तो काम वासना मन में आई नो आप हम सब जानते हैं कि इसमें केवल एंट्री ही है इसमें एग्जिट है ही नहीं हनुमान जैसे को भी नहीं छोड़ता तो हम सब कौन है क्या हमारे और 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 भी समझने जैसा कि राम का कार्य करने के लिए निकलोगे तो भी बीच में आ सकती है ये ये नहीं समझना है कि हाँ भगवान का काम करने के लिए निकलोग भगवान सब लेंगे नो आ, आने है? हाँ बोले विघ्न दूर छे इंग्लिश में हूं विघ्न दूर हर्डल्स हाँ ये बीच में आते ही रहते हैं उनको कूद कूद के दौड़ना पड़ता है कई लोग गिर जाते हैं उसमें और वो बड़ी कठिन होती है बोल्ट कहीं ना आवे ये तो दौड़वा जाए तो इन्हें खबर पड़े है ना तो बात समझो प्रभु ये हनुमान जी जैसों को भी नहीं छोड़ती आज के सत्संग से इतना समझ लेना है कि हनुमान जी भागे नहीं हनुमान जी रुके नहीं आएगा तो सब सामने आपको दो काम करना है घबराना नहीं रुकना नहीं क्योंकि रुकने वाला भी फंस जाएगा और घबराने वाला यह मरने से पहले मर जाएगा हनुमान जी ने क्या किया जितनी बुद्धि और जितना बल था दोनों लगा दिया जितना बल था वो बड़े 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 होते चले गए ये ये बल दिखाया और उसने जब सौ योजन का इतना बड़ा मुंह फैला दिया तो हनुमान जी ने बुद्धि दिखाया एकदम मच्छर जैसे छोटे हो गए अब देखो सौ योजन बड़ा मुंह होगा तो खोलेगी तो कितना टाइम लगेगा और फिर उसी को फिर बंद करे तो ये हाइड्रोलिक वाले वो देखे हैं ना खुलने में बंद करने में कितना टाइम लगता है और उसमें मच्छर तो यूं घूमते होंगे तो हनुमान जी ने क्या किया बोले एकदम छोटे मच्छर जैसे हो गए और उसके मुंह में यू चक्कर मार के बाहर आ गए और फिर मागा बिदा नावा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है इस तरह से अंदर घुस करके हनुमान जी बाहर निकले और मागा बिदा विदाई मांगी और ताही सिर नहावा ये असल चाबी है प्रभु पकड़ सको तो पकड़ लो कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को बोल दिया है कि ये काम आदि दोष ऐसे हैं वो तो तू कुछ भी बन जा आएंगे रजोगुण से ही हम पैदा हुए हैं सत्वगुण से देवता तमोगुण गुण से राक्षस रजोगुण से मनुष्य रजोगुण का मतलब है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार फल ढिकना सब कलर की भाषा में बोलना है तो वाइट इज सत्व ब्लैक इज तमोगुण और बीच में जितने भी मिलियन शेड्स है ना सब रजोगुण सब का सब रजोगुण इससे कैसे लड़ो तो बजरंग बली ने हमको रास्ता दिखाया कि इसके साथ क्या करना ताही सिर नही समझे उसके सामने झुक जाओ क्रोध तो आएगा लोभ तो आएगा काम वासना तुम हाथ में माला लेके बैठ जाओ आएगी झुक जाओ झुकना क्या होता है बोले उतनी देर शांत तो हो जाओ उतनी देर कुछ मत करो अपने और इसको तुम पकड़ नहीं सकते हम गृहस्थ लोग हैं हमारा अनुभव है हम जानते हैं इसको कोई पकड़ नहीं सकता 24 घंटा क्रोध कर सकते हो 24 घंटा काम वासना मन में रख सकते हो जो अनुभव हो बोलो मुंडी हिलाओ भूख लगी है क्रोध को पकड़ सकते हैं काम वासना को पकड़ सकते हैं लोभ को ईर्ष्या को अहंकार को ये आते हैं जाते हैं तो ये नियम है जो आएगा जाएगा इस, इस होल में हम सब लोग आए जाएंगे जो भी आता है सो जाता है काम वासना आती है जाती है क्रोध क्योंकि आता है जाता है उस तरह से सब कुछ ऐसा ही है पकड़ नहीं सकते तुम इसको तो क्या करें बोले वो थोड़ी देर के लिए आएगा अपना प्रभाव दिखाएगा लेकिन ता ही सिर नावा इसको प्रणाम करो इसको अपना काम कर लेने दो एंड इट विल गो एंड इसके बाद फिर हनुमान जी की यात्रा आगे तो भाई ऐसा समय आता है कि मन में विकार आते हैं तो ऐसा भी तो समय आता है कि मन में संस्कार आते हैं तो जितनी देर के लिए हमारा मन पवित्र हो हनुमान जी को बोलो भागो भक्ति की ओर और।, और वो काम बन जाए फिर वो आए तो उसको कहो तुम अपना काम कर लो और वो ज्यादा देर तो टिकता नहीं है जैसे ही वो पूरा हुआ मन स्वस्थ है फिर श्री राम श्री राम श्री राम अरे भूख लगे तब हाथ में माला लोगे ना तो भी नाम नहीं ले सकोगे दो रोटी खाना होता है खा लो फिर नाम लो है ना ये इशारा है इससे समझ जाओ हनुमान जी ने प्रणाम किया और वासना से हनुमान जी आगे इसको ओवरकम कर गए ये ऐसी वस्तु हनुमान जी ने हम सबको सिखाया कि इसका कोई जोड़ नहीं है दुनिया में कितने ही विचारक हुए चिंतक हुए सब लड़ते हैं हनुमान जी ने सिखाया लड़ने से काम नहीं बनेगा झुक जाओ जो झुक जाता है भक्ति की ओर सीता माने भक्ति सीता माने शांति उसकी ओर आगे बढ़ जाता है हनुमान जी जैसे ही झुक गए हनुमान जी को देख के बड़ी प्रसन्न हुई और उसने अपना जो स्वरूप था वो प्रकट करके बता दिया कि हनुमान तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा बल देखने के लिए ही मैं आई थी और क्या लिखा है कि आशीष दे गई सो दूसरा दोहा है वहां पर देख लो आशीर्वाद देकर के वो गई क्या बोले राम काज सब कर अरे तुम राम का सब कार्य करना है ना और तुम बल बुद्धि निधान तुम में बहुत बल है और तुम में बहुत बुद्धि है तुम राम का सब कार्य करना क्योंकि राम का कार्य करने के लिए बल भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए तुम में यह सब है तुम उसके निधान हो तुम उसका स्टोरेज हो आशीष दे गई सो आशीर्वाद देकर के वो चली गई और ये चली ही जाती है ये परमानेंट किसी में नहीं होती है वासना किसी भी प्रकार की हो देखो जैसे आ, टेस्ला वाई मॉडल ठीक है तो वासना हो गई इच्छा हो गई अब आ, खोजने लगता है कि कहां से लाएं तो कम पैसों मिलती है कहां से किस, कुछ डॉलर बच जाए कहां से कहें ओके तो दोनों दो में से एक होगा या तो खरीद लोगे और नहीं तो रह जाओगे तो दोनों ही मामले में वो इच्छा को मरना निश्चित है बात समझ में आ रही है ना ठीक है ना तो या तो इच्छा पूरी होगी या इच्छा पूरी हो जाएगी उसका मृत्यु निश्चित है क्योंकि ये परमानेंट नहीं हो सकती इस तरह से सारी इच्छाएं देख लेना तो वो जाने ही वाली है हम इतना कर सके यदि कि वो आशीष दे गई सो लिखा है ना दूसरे दोहे में आशीर्वाद देकर गई ये विकारों से भी आशीर्वाद कलेक्ट कर लेते हैं जय हनुमान विकार है वासना वो भी आशीर्वाद देकर के जाता है कि तुम राम का काम करो गजब बुद्धि है तुम में गजब बल है तुम में ऐसे हैं हनुमान जी इनको प्रणाम करें घड़ी की सुया आठ बजकर के सात मिनट दिखा रही है तो आप भूखा और भोजन इसके बीच में नहीं आना चाहिए तो मैं भी नहीं आऊँ क्योंकि मैं समय से बंद कर दूंगा तो कल आओगे नहीं तो अंदर अंदर बात तो कर सकते पूरू करता नहीं हो आप जाऊँ नहीं तो कल आप आ, आओ ऐसी मेरी इच्छा है इसलिए कोशिश करेंगे और आगे बढ़े हनुमान जी के साथ यात्रा करें और आइए आज के इस सत्संग को यहीं विराम दें श्री राम का नाम गाएंगे और इसके बाद में फिर हम हनुमान जी की आरती करेंगे अब। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम मङ्गल भवनय मङ्गलहारी मङ्गलभवनय मङ्गल द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी दस रथ अजीर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय रामी श्रीराम जय राम जय जय राम राय राम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीरामचन्द्र भगवान् की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव की जय ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादे